बुंदेलखंड में यूं तो कई तरह की परंपराएं हैं जिनमें नृत्य और गाने गाए जाते हैं। ऐसी एक परंपरा दीपावली के दूसरे दिन से देव उठनी 11 तक दीवारी नृत्य है। इसमें ग्वाल समाज, यदुवंशी समाज के लोग सज धज कर भगवान कृष्ण को ढूंढने निकलते हैं और उसी दौरान मंदिर मंदिर व लोग उन्हें अपने घर घर पर नचवाना चाहते हैं। उनके घर नृत्य कर गाने बजाए जाते हैं। दमोह जिले में दीपावली के दूसरे दिन इस अनूठा दीवारी नृत्य दमोह जिले में देखने को मिला है। बुंदेलखंड में दीपावली के अवसर पर होने वाली दीवारी नृत्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। दीवारी नामक लोक गीत के बाद नाचे जाने के कारण ही इसे दीवारी नृत्य कहा जाता है। इस पारंपरिक नृत्य कला का प्रदर्शन दीपावली के बाद पड़वा पर दूज के दिन होता है। बुंदेलखंड में इस प्राचीन विधा की शुरुआत द्वापर युग से मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गाय चराने वाले ग्वालों ने इसकी शुरुआत की थी। तभी से यह परंपरा बुंदेलखंड में प्रचलित है। इसमें गौवंश की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, पालन के संकल्प का सदन कठिन व्रत लिया जाता है। इन्हीं अनूठी परंपराओं के चलते बुंदेलखंड की दीवारी का पूरे देश में विशिष्ट स्थान व अनूठी पहचान है। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दीवारी नृत्य की अनूठी परंपरा को लेकर ना सिर्फ ग्रामीणों में बल्कि बच्चों में भी खासा उत्साह रहता है और वह भी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर दीवारी नृत्य करते हैं। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।